इधर साहिबगंज आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडे ने हमारे संवाददाता सुजीत कुमार से खास बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड से भय भूख और भ्रष्टाचार को दूर कर सकती है। उन्होंने छात्र हित और राज्य हित को पार्टी का सर्वोच्च प्राथमिक एजेंडा बताया है। वहीं झामुमो पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल इसके द्वारा राज्य को बेचने का काम किया गया है। जीत कुमार, रफ्तार मीडिया से। आज हम लोग मौजूद हैं साहबगंज जिला में, जहाँ पे कि हमारे जिला में जिलाध्यक्ष आजसू पार्टी से चतुरानंद पांडे जी से हम लोग कुछ बातें पूछेंगे इनके बारे में कि आने वाले चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी और ये किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। ये आप अपना परिचय दें सर पहले। मैं आजसू के जिलाध्यक्ष साहेबगंज जी चतुरानंद पांडे जी। जी, आपका इस बार का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा चुनाव को लेकर के, पहला प्रश्न। चुनाव में झारखंड की जनता जो है सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ की आम जनता बिल्कुल ही त्राहिमाम कर रही है और इस सरकार को बदलने का अपना मन बना चुकी है और बदलेगी। और हम लोगों को बहुत ज्यादा इसमें जनता के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं। जनता स्वतः इस सरकार से इतनी ही नाराज है और इस सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो किया गया, जो सर्वविदित है, जो पूरा इस राज्य में ईडी, सीबीआई और जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन्होंने यह साबित किया है कि इस राज्य में इस राज्य की जनता को यहाँ के नेताओं ने किस तरह से लूटा है, ये हमें को बताने की जरूरत नहीं है, जनता जान चुकी है। छात्र आंदोलन से लेकर के कई तरह का छात्रों का मुद्दा को लेकर के आजसू पार्टी जानी जाती है, और लेकिन आज के संदर्भ में आजसू पार्टी अब राजनीति में भी उतर चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या बताएं। निश्चित रूप से आजसू पार्टी का जन्म 1986 में छात्र हित के लिए और इस राज्य के हित के लिए ही इनका गठन किया गया था। चूंकि हमारा उद्देश्य इस राज्य को एक अलग पहचान और इस राज्य को सभी राज्यों के बराबर खड़े करने का एक सपना जो आजसू पार्टी ने देखी थी, वह जब इस राज्य को आज़ादी मिली, जब इस नया राज्य के रूप में इसका गठन हुआ, तो आजसू पार्टी कहीं ना कहीं यह महसूस की कि जिनके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, एक लंबी लड़ाई आजसू ने लड़ी है। अब मैं आपको बता दूं कि 10,000 आजसू के कार्यकर्ताओं ने एक बलिदान दिया और अपना सारा प्रमाण पत्र फाड़ने का काम किया इसे आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बलिदान हमारे आजसू के कार्यकर्ताओं ने दिया और उनको एक दर्द यहाँ के जनता के प्रति था और उनको एक अच्छा माहौल मिले, राज्य विकसित राज्य के रूप में पहचान मिले, इसको लेके कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हमको भी राजनीति में आना होगा, तभी हम अपने लोगों तक अपना सुविधा जो उनका हक है उन तक पहुंचा पाएंगे। इसी सोच को लेकर आजसू राजनीति में आई और पूरे झारखंड में आप देखेंगे कि जनता का विश्वास आजसू के प्रति है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो के प्रति है, जो आज युवाओं के एक आदर्श हैं पूरे राज्य में। पूर्व में आजसू पार्टी झामुमो के साथ थी और आज झामुमो से अलग हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या बताएं। निश्चित रूप से आजसू पार्टी जेएमएम के साथ थी, लेकिन जब हमारा विचार मिलता था, जब हमारा एक सोच था इस राज्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति जो जिम्मेवारी थी, उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम पार्टी ने इस राज्य को बेचने का काम किया। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव के समय में उस समय इस राज्य का गठन होना था, लेकिन उस समय के जो वर्तमान सांसद थे माननीय गुरु जी शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, साइमन मरंडी जी, इन्होंने इस राज्य को कुछ चंद पैसों के लिए बेचा, जबकि उस समय एक ऐसा माहौल था कि वे उस समय इस राज्य का गठन निश्चित रूप से उस समय ही करा लेते और इस राज्य का भला होता है, लेकिन उन लोगों ने पैसा को ज्यादा प्राथमिकता दिया और इस राज्य की जनता की भावना को बेचने का काम किया। तो आजसू इन सभी बातों से
उनका विचार नहीं मिलता है, क्योंकि हम आंदोलन से हमारा उपज हुआ है। इस बार आजसू पार्टी अभी तक जो देखा जा रहा था कि 5 सीटों में पूरे राज्य में सिमट चुकी थी, इस बार का क्या जनाधार रहेगा? जनाधार उसके लेकर हमारी पूरी तैयारी है। झारखंड के 81 विधानसभा पे हमारा आजसू तैयारी पे है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और अच्छे सीटों पर हमारा प्रत्याशी जीत कराएंगे और एनडीए का सरकार यहाँ बनेगा। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है कि जिस तरह से पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि यहाँ के युवाओं को हर साल 5 लाख रोजगार देंगे और जो बचेंगे उनको सरकारी भत्ता देने का काम करेंगे जी, है ना जी। किसानों को सुविधा देंगे, मजदूरों को सुविधा देंगे, जो उनका चुनावी एजेंडा था, उनका जो मुद्दा था, उनके कहीं ना कहीं वे बैकफुट पर हैं और उन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है और जनता उनको बिल्कुल ही जान चुकी है और जो उनका जो गठबंधन है बिल्कुल ही ठग बंधन है उनका। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ ठगने का काम किया है और जनता इस उनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इस राज्य को सही पहचान देने के लिए आजसू को एक बार पुनः जनता लाएगी सत्ता में और हम उनकी सेवा करेंगे। आपके पार्टी के केंद्रीय सचिव थे एलटी राजा साहब, जिन्होंने पिछले दिनों झामुमो का दामन थाम लिया है, तो इसको लेकर की क्या बताएंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम लोग पार्टी में आने वाले का भी स्वागत और जाने वाले का भी स्वागत, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि किसी प्रकार का पार्टी को कोई क्षति नहीं? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। झारखंड जिले में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि परीक्षाओं को लेकर के केवल खानापूर्ति की जा रही है सरकार।